रेलवे स्टेशन के नाम भी अब बिकेंगे। कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने लिया एक बड़ा फैसला, जिससे आप भी कर सकते हैं अपनी कंपनी का प्रचार और रेलवे की भी आय में होगी बढ़ोतरी। तो जानकारी शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय रेलवे से संबंधित खबरें हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलें फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी फॉर्म, कंपनी या संस्था का ब्रांड का नाम गोरखपुर जंक्शन समेत बड़े बड़े स्टेशनों पर रखना चाहते हैं तो इसके तहत रेलवे ने ब्रांडिंग योजना लाई है, जिसमें कि आप अपनी कंपनी का प्रचार कर सकते हैं और रेलवे की भी आय में बढ़ोतरी होगी। प्रमुख स्टेशनों के नाम के साथ ब्रांडों का प्रचार भी होगा और रेलवे स्टेशन की कमाई भी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शरद श्रीवास्तव की तरफ से जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था में कंपनी व फॉर्म स्टेशनों के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क वहन करना होगा। छोटे स्टेशनों के लिए कम, जबकि बड़े स्टेशनों के लिए इसकी दर ज़्यादा होगी। कि ये दर कितनी होगी इस पर मंथन अभी चल रहा है। समाज में साफ सुथरी कंपनियों को ही लिया जाएगा। रेलवे शराब, पान मसाला जैसी आदि वाली कंपनियों से परहेज कर रही है। हालांकि 1 से 3 साल तक के लिए ब्रांड के साथ आप अपना प्रचार कर सकते हैं। प्रचार प्रसार सिर्फ स्टेशन परिसर में ही होगा, उससे बाहर प्रचार प्रसार नहीं होगा। स्टेशन के साथ ब्रांड के नाम की घोषणा नहीं होगी, ना ही स्टेशन पर टिकट, पार्सल और अधिकृत मूल अभिलेखों में ब्रांड का नाम अंकित होगा। ऐतिहासिक धार्मिक नाम पर स्टेशनों की ब्रांडिंग योजना लागू नहीं होगी, जैसे स्वामीनारायण छपिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और वीरांगना लक्ष्मी भाई जैसे स्टेशनों पर यह ब्रांडिंग योजना लागू नहीं। फिलहाल नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे ने इस पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही ब्रांडिंग योजना के तहत इसे लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए लखनऊ, बनारस और इज्जत नगर मंडलों में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके लिए जल्द ही लोगों को इनविटेशन भेजा जाएगा, जिससे वो अपनी कंपनी का प्रचार कर सकें। योजना के व्यापक प्रचार के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट में उपभोक्ता सीधा संपर्क कर सकता है। दरअसल ब्रांडिंग के तहत स्टेशनों का कायाकल्प और विकास की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन के नाम पर कमाई का नया जरिया खोज निकाला है। जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था के तहत रेलवे अब एजेंसी नहीं बल्कि सीधा कंपनी और फॉर्म संस्थाओं को सीधा विज्ञापन दे सकेगी। दोस्तों कैसी लगी है रेलवे की योजना हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें, जिससे आगे न्यूज़ ये लोगों को पता चल सके। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।